नशीन के तशरीफ फरमा मोहतरम शारिक नक्शबंदी साहब, सुहेल जरी साहब, गुड्डू भाई, रियाज भाई, दस्तगी भाई, सलीम भाई, महरे के जिम्मेदार हजरात, इस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा रईसा यूब खान साहिबा, दूसरे मौलमात, इस छोटे से खूबसूरत प्रोग्राम को जिसने मुनाकिद किया वो मेरे भाई मीर हिदायत अली और हमारे भाई जी प्यारे बेटी और बेटो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे कोई मुख्तलिफ नहीं हूँ। मैंने जिस स्कूल में तालीम हासिल की है वो ज़िला परिषद का स्कूल था। हमारे पास बैठने को टाट पटरी भी नहीं थी, ये चटाई भी नहीं थी, हम मिट्टी की जगह पर बैठते थे। कहने का मकसद ये है, आजकल आपके जहनों में, वालिदैन के जहनों में और समाज में ये बात आम है कि अच्छे स्कूल, अच्छी बिल्डिंग, अच्छी तालीम वही होती है, मगर मेरा इससे मुख्तलिफ अंदाज है। अगर आप में जज्बा है, अगर आप मेहनत कर सकते हैं, आपके असातेज़ा आपको सिखाते हैं, आपके वालिदैन आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप में से कई बेटे बेटियां हमसे भी आगे जा सकती हैं। मैंने जिला परिषद के स्कूल से पास करके MBBS किया, MD किया, DNB किया, छोटे बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ, अब डॉक्टरी नहीं करता हूँ, रीडरी करते फिरता हूँ, मगर कहने का मुद्दा ये है कि आप अपने स्कूल से दिल छोटा मत करो। ज़िद ये होना कि आपने मेहनत से पढ़ना चाहिए। व्हाट्सएप में, टीवी में, दोस्तों में, खेल में अगर वक्त ज़ाया करेंगे तो ये दिन तो निकल जाएंगे, मगर पूरी ज़िंदगी आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक दफ़ा एक गैर मुस्लिम दोस्त, IAS ऑफिसर और मैं जा रहे थे, सुबह का वक्त था, एक छोटी देहात से जा रहे थे,
उस वक्त मैं माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर था। एक मुस्लिम नौजवान, दाढ़ी भी थी टोपी भी थी, वो बेकरी का सामान उसकी साइकिल पर रखकर तेज तेज चला रहा था। मैंने मेरे गैर मुस्लिम दोस्त से कहा, कितनी कौम ये मेहनत कर सकती है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलेंगी। मेरे दोस्त ने मुझे टॉन्ट करके कहा, जब मेहनत करने का टाइम था उस वक्त मेहनत नहीं किया, बोल के अब साइकिल पर बेकरी का सामान बेच रहा है। आपकी जिंदगी मेहनत करने की है, आपकी जिंदगी पढ़ने की है, किताबों में वक्त देने की है, अच्छे नंबरात से पास होने की है। तो ये जिंदगी में अगर अच्छी मेहनत करेंगे तो बाद में आपको बर्तन धोने की जरूरत नहीं आएंगी, कपड़े धोने की जरूरत नहीं आएंगी, पैसे पैसे को मोहताज नहीं रहेंगे। तालीम से खुद एतमादी पैदा होती है। हमारे रईस साहब आजी हेडमिस्टर बन के बैठे हैं और कोई आपके स्कूल में खादिमा भी होगी, दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि रईस साहब आजी ने तालीम हासिल की, अपने आप को खाबिर बनाया, आज स्कूल के हेडमिस्ट्रेस है, शान से जीते हैं, शान से रहते हैं। तो मेरी हर बेटी और बेटा तालीम हासिल कर अपनी ताकत और शान से जिए। तालीम की ज़रूरत इस वास्ते भी है कि आप चीज़ों को समझ सकेंगे, चीज़ों को रिएक्ट कर सकेंगे, बातों को समझ सकेंगे। कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। लिखा पढ़ा आदमी, तालीम याफ्ता आदमी किसी के बहकावे में नहीं आएगा। बस इतनी गुजारिश है कि आपने अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना, अपने असातेजा का एहतराम करना। मेडिकल कॉलेज में पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, लॉ फैकल्टी में जाए, बेटियों से बहुत उम्मीद है, मगर मैं समझता हूँ बेटों ने भी तवज्जो करना चाहिए और बच्चों ने भी कंपटीशन में आगे आना चाहिए। मैं इस मौके पर हिदायत भाई को, भाई जी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आइए हम अच्छी रिवायत करेंगे। आप भी अपने घर में अपनी मम्मी से कहिए, मम्मी अपन केक नहीं काटेंगे, पापा अपन केक नहीं काटेंगे, ये हमारी रिवायत नहीं है, हम दूसरों की कॉपी कर रहे हैं। हम दुआ करेंगे, अल्लाह के सामने सिज्दा बसुजूद हो जाएंगे, हम हमारे आसपास में कोई गरीब होगा उसको खाना पहुंचाएंगे, हम उसकी खुशी में शरीक होंगे, ताकि अल्लाह हमारी दुनिया में भी कामयाबी कर सके, आखिरत में कामयाबी कर सके। बहरहाल एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से मीर हिदायत अली, उनके भाई भाईजान, भाईजान हिदायत भाई से छोटे हैं, मैं दिखने को बड़े दिखते हो, तो मैं अब तक कन्फ्यूजन में था कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। मैं दोनों भाई अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको जजाय खैर दे। आप बेटियों से बेटों से तवक्को है स्कूल को अपनी तालीम को आगे बढ़ाएँ। इस स्कूल के जो असातेजा है उनसे भी तवक्को करता हूँ, नए ख्वाहिशात देता हूँ, उनके ताउन का शुक्रिया, सबका शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहेंगे गफ्फार खादिम साहब के जन्मदिन पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम स्कूल में रखा गया बच्चों को किताबें और बैग वाटअप करने का। तो डॉक्टर साहब ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम सबको अलग अलग दिया है, आज हमारे पास दिए है कि भाई आप जो है एकदम सादगी से मनाओ और गरीब बच्चों में जो है आप कापियाँ किताबें और बैग तकसीम करिए, इंशाल्लाह हम आएंगे। तो ऐसा आज हमारे पास ख़ास तौर पे डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब, शारिख नक्शबंदी साहब, हमारे ईस्ट के प्रेसिडेंट दस्तगीर भाई, तकरीबन हमारे छोटे भाई फिरदौस और हमारे महल्ले के कुछ ज़िम्मेदार। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये स्कूल भी जो हमने जब हमको 2005 में जब हम आए तो 2008-09 में हमने इसको हाई स्कूल का दर्जा दिए। भापकर साहब थे, जब भापकर साहब ने हाई स्कूल ऐसे 7-8 स्कूल खोले जिसमें हमारा हमने शाहबाजार भी एक स्कूल लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल जो बच्चे पास हुए 96%, 94%, 90% ऐसा 5 से 6 बच्चे पास हुए और बाद में 80 अबो आए थे। तो भापकर साहब ने 3 बच्चों को 50,000 रुपये इनाम दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमने स्कूल के ऊपर ख्याल ख़ास तौर पर हमारी नज़र रखे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या बेस लिए थे कि भाई 7वीं पास होने के बाद हमारे जो गरीब बच्चे आएँ, बच्चे बच्चियाँ, वो हाई स्कूल के अंदर नहीं जाते, यानी दूसरे स्कूलों में जाते नहीं थे क्योंकि वहाँ पे फ़ीस लगती थी, फिर उनको पढ़ाई के पैसे, किताबा कापियाँ। यहाँ महानगर पालिका का ऐसा था कि कापियाँ किताबा बैग
और फीस नहीं, सबसे बड़ी बात। तो इसलिए जो उनके बच्चों के पेरेंट्स थे वो उन्होंने उनको मंजूरी दे देते कि भाई ठीक है यहाँ पढ़ लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट हमको मिल गया, सातवीं से हमने दसवीं तक करे। इंशाल्लाह आपने बहुत अच्छा डॉक्टर साहब के सामने भी जो है लेके आए प्रपोजल ये कि भाई जूनियर कॉलेज होना चाहिए दसवीं और ग्यारहवीं बारहवीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर अभी जो है तो हम काम शुरू करेंगे। आईटीआई के अंदर जो है जाके वहाँ उनको बोले कभी तो वो आके अपने स्कूल के अंदर वो करते, लेकिन उसके लिए कैसा है कि हाई स्कूल के अंदर पहले हमको बच्चे तैयार करना पड़ेगा। हमको उस किस्म के बच्चे तैयार करके वो हिसाब से हमको बच्चों को यानी उनकी उतनी एक्टिविटीज़ लेके फिर वो बच्चों को उसके अंदर जैसा आप बोल रहे टेक्निकल कोर्स, तो उसके लिए इंशाल्लाह वो भी कोशिश करेंगे, लेकिन उसको टाइम लगेगा। अभी हमारा सिर्फ स्कूल और हॉस्पिटल्स के ऊपर हम खास तौर पे ज़्यादा वो करेंगे। चलते चलते ये बता दीजिए कि हर साल की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है, परसेंटेज ज़्यादा लाने में। क्या आपको लगता है लड़के क्यों पीछे रह जाते हैं, लड़कों के परसेंटेज क्यों नहीं आ रहे? एक तो टीचर ध्यान नहीं देते या वो खुद अपने आप की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, आपकी क्या राय है? आवाम नहीं, मैं बहुत आपने वाकई में बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं ख़ास तौर पे आपके माध्यम से बच्चों के वालदैन को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिस तरीके से बच्चियों के ऊपर ख़ास तौर पे वालदैन जो है उनकी नज़र रखते हैं कि भाई कहाँ जा रही बेटा, क्या कर रही, आज क्या पढ़ी, बताओ क्या लाए। गरीब से गरीब घर में भी आज जो है तो जाने के बाद वो बराबर पूछते हैं वालदैन कि बेटा आज क्या पढ़े। तो वो ख़ास तौर पर मैं उनको वालदैन को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि भाई बच्चों के ऊपर भी ख्याल रखा करें। कैसा है जो गरीब तबका है हमारा, मिडल एकदम बिल्कुल रोज़मर्रा के, तो वो क्या करते हैं कि भाई जहाँ बच्चा अगर हमारा 8, 10 साल 12 साल का अगर हुआ तो वो हमारी सोच ऐसी होगी कि भाई हम बच्चे से किस तरीके से कमाई लाओ करके कोशिश करें। तो उसके बच्चों से वो वजह से जो है बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पे ख्याल कम देते। तो वो आपने बहुत अच्छा सवाल किया माशाल्लाह। मैं बच्चों के वालदैन से जो है गुजारिश करूँगा कि भाई जैसा बच्चों के ऊपर आप ख्याल रखते हैं वैसा बच्चों के ऊपर भी रखिए, और ख़ास तौर पर बच्चों के ऊपर रख के उनसे बच्चों से रोज़ाना अपडेट लिया करिए आप क्या है। मुबारकबाद जो बच्चों ने इस साल अच्छे परसेंटेज लेकर आए एसएससी बोर्ड में, उनके लिए आपके तरफ से मुबारकबाद। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमारे महानगर पालिका के स्कूल के अंदर हमारी तो ख्वाहिश है सब। जब हमने हाई स्कूल खोले थे और भापकर साहब को बोला था कि सर ये जो जैसा आज दिल्ली के अंदर लोग महानगर पालिका के स्कूल में लाइन लगाते एडमिशन के लिए, तो हम सब की ख्वाहिश है कि महानगर पालिका औरंगाबाद महानगर पालिका में भी एडमिशन के लिए ऐसी लाइन लगना चाहिए। तो हमारे जो कमिश्नर थे अस्ति कुमार पांडे, CBSE पैटर्न जो उन्होंने चालू करे अभी महानगर पालिका स्कूल के अंदर, तो वो देखने को मिल रहा था कि लोग लाइन लगा के फॉर्म ले रहे थे, लेकिन अब वो किस हद तक उसके ऊपर ख़ास तौर पे पूरी यानी तवज्जो दे के उसको कामयाब करते हैं वो अभी समझो आते साल इंशाल्लाह समझ में आएगा। आपका नाम और आपकी पोस्ट बता दीजिए। मीर हिदायत अली, मैं ख़ास तौर पर माजी विरोधी पक्ष नेता हूँ और MIM का उपाध्यक्ष था, बाद में बॉडी डिजॉल्व हो गई, लेकिन उपाध्यक्ष पोस्ट तो आते जाते रहेंगी, पार्टी अपनी जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह एक MIM का मैं खादिम बोल के मैं हमारे शहर सदर की टीम के साथ काम कर रहा हूँ।